देखने को मिल पाता है या नहीं। टॉप फ्रैगर ये है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस वर्ल्ड लीग में, कल काफी अच्छे ये खिलाड़ी है, ये बहुत डैमेज लग चुका है, बट गोल्डनेट पर एक बार फिर से क्या बैक ये लाइनअप जोनाथन लॉक हो चुकी है। और ये कौन था ये, लेकिन क्या लग रहा है, देखिए समय है उनके पास, और ये क्या, ये उछाल दिया क्या है। इट्स हार्ड टू ब्रीथ बट दैट्स ऑलराइट। हश जोनाथन के पास यहाँ भाई अर्ली चैलेंज आ चुका है, शॉट शॉट करेंगे यहाँ पर, एक ही एम है उनके हाथ से, वो बहुत लेवल खिलाड़ी है, काफी इजीली नॉक यहाँ पर कर देंगे, क्राउच किया था सामने उन्होंने, हैंडल करेंगे, फिर ज़ीगॉड को रिवाइवल, क्लच गॉड को रिवाइवल भी देंगे, बट जोनाथन नाम है, गॉड लेवल ये खिलाड़ी है और ग्रेनेड बहुत खतरनाक करते हैं, क्या ओपनिंग निकल कर आने वाली है। आई थिंक ऐसे मौका पार सकता था बट वो थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए था, अब दो बैक टू बैक गोल्डन एचपी के नॉक यहां पर निकल कर आते हुए, और गोब्लिन अब आखिरी रास्ते पर क्लच गॉड हो चुके हैं, हर वो खिलाड़ी गोल्डन एचपी पर ले रहा है अपना काम, और नियो आखिरी हंसी हंसते हुए खेलने की तैयारी में थे, लेकिन क्या लग रहा है, देखिए समय है उनके पास, और ये क्या, ये उछाल दिया क्या है यहां पर, और की रिफ्लेक्स देखिए, लेकिन शायद इमॉर्टल गेमर्स इसीलिए तैयार थे। एजेस क्लियर करती हुई एंटिटी के प्लेयर कुछ और फिनिशेस यहां पर ढूंढ रही है, नियो जोनाथन दोनों ही ग्रेनेड अपने हाथ में लेके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, बट ध्यान रखना पड़ेगा गेम्सो की पीछे से जोन भी आने वाला है। ओके, तो नियो के उस नेड ने एक ओपनिंग निकाल दी है, एक और ग्रेनेड नियो की तरफ से जा रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ग्रेनेड भी ओपनिंग निकाल कर दिखा सकता है ना, थिंक यस पेन की तरफ ये ग्रेनेड गया था, पेनफुल ये ग्रेनेड था पेन के लिए, क्लच गॉड बीइंग दी आईसीएल काफी अच्छे अग्रेसिव नेचर के साथ आगे बढ़ते हुए, ये स्टांस अच्छा है, आप फ्लैंक देखिए कितना अच्छा, ट्रैप में फंसा लिया, आप मिनी मैप देखिए गाइस, सामने से दो प्लेयर्स, पीछे से दो प्लेयर्स, और ये कितना आसान रहने वाला है क्लच गॉड के लिए, एडीएस के लिए यहां पर जरूर से था, किल भी आप रीड करें, पाव किलो को यहां पर सिर्फ 100 ग्राम का छुड़ा है, और कहीं ना कहीं डॉन भी यहां पर नॉक हो चुके हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल है बिल्कुल भी नहीं, यहां पर काफी आसान था, 13 फिनिशेस के साथ टीएसएम एंटिटी इस फाइट को भी सिक्योर कर जाएगी, जोन के डैमेज को भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा क्योंकि वो जोन के बाद से फाइट ले रहे हैं, लेकिन जोनाथन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं शायद रोक पाना अभी के लिए काफी मुश्किल टीम मेहम के लिए, क्योंकि दोनों भी जोन खिलाड़ी जो थे यहां पर, अब डॉक्टर इमॉर्टल जैसे आप माय भी बात करते हैं उनके लिए, उनको यहां पर एक जबरदस्त क्लच करके दिखाना पड़ेगा। अभी के लिए अगर बात करें इनसेन की टीम यहां पर एक थर्ड पार्टी शॉट लेती हुई जिसमें नियो हो चुके थे नॉकआउट, क्लच गॉड भी बिल्कुल एक वन एचपी आई गेस फाइव एचपी सर्वाइव कर रहे हैं, और इमॉर्टल गेमर्स आगे एक बुलेट भी अगर टच हुई क्लच गॉड की, नॉकआउट हमें देखने को मिल जाएगा, और सी नॉकआउट भी होते हुए नजर आए यहां पर, अब गाड़ी पर एडवांटेज है बट पीछे से डॉक्टर इमॉर्टल काफी अच्छा टफ टाइम दे सकते हैं, ही इज हैविंग अ सिनेरियो फॉर 1v4 भयंकर फॉरवर्ड, यहां पर एक 1v4 में देखने को मिल पाता है या नहीं, टॉप फ्रैगर ये है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस वर्ल्ड लीग में, कल इनका स्टोरी देखकर मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था, क्या आज यहां पर एक बार एग्जांपल सेट किया जाने वाला है, आई थिंक नहीं है, टफ था ये, बहुत ज्यादा टफ था, बहुत अच्छा है स्काउट के लिए उन फाइट्स को तब्दील करने का, बट नंबर एडवांटेज नहीं है, सिर्फ दो ही प्लेयर्स बचे हैं, स्नैक्स एंड स्काउट, और सीरवी का वहां से ग्रेनेड आ रहा है, स्पॉट यहां पर उन्होंने किया था, उस ग्रेनेड को थ्रू करते हुए बचना होगा उस ग्रेनेड से, स्काउट यहां पर टेड को किया नॉक, सीरवी के ऊपर वाओ सर के ऊपर ग्रेनेड आया था, पांच पांच बचे, स्काउट टेड का फिनिश यहां पर सिक्योर कर सकते हैं, अग्रेशन के लिए ये खोज रहे थे, अग्रेसिव खेलना चाह रहे थे, आई थिंक फिनिशेस के लिए जा सकती थी ये लाइनअप, जोनाथन नॉक हो चुके हैं, और ये कौन था, ये था कौन जिसने एक गाड़ी से दो प्लेयर्स को गिरा दिया, मोर्टल बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग होल्डिंग फॉर द फिनिश, एक और है वो नॉकआउट को फिनिश ऑफ कर रहा था, बट ये देखिए एक साथ नहीं गए, वीरू अकेले गए थे तो प्री फायर करके वीरू वहां पर फंसते नजर आए, और अब एक साथ एक टीम वर्क हमें देखने को मिलेगा, और क्या एक एपिक क्लच देखने को मिल सकता है, कुछ भी यहां पर अभी पॉसिबिलिटी हो सकती है, माय
that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that?